आई होप आपने अपनी दिवाली की साफ सफाई शुरू कर दी होगी। बट दिवाली की साफ सफाई में हमसे कुछ ऐसे जगह अक्सर ही छूट जाते हैं जो हमारे आंखों के सामने तो रहते हैं बट हमें नजर नहीं आते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके घर का थोड़ा सा पर्दा उठाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसी जगह जो आपके आंखों के सामने तो रहता है बट आपको नजर नहीं आता है। साथ ही बताने वाली हूँ कुछ ऐसे हैक जिसे फॉलो करके आप इन जगहों की साफ सफाई बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो जब इतनी सारी जानकारी है इस वीडियो में आपके घर से रिलेटेड, तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जगह वो है जो है आपके किचन से रिलेटेड। हमारे किचन में हमारे वाटर प्योरीफायर लगे रहते हैं और उसके वायर होते हैं। वायर में अक्सर ही काले रंग के आपको धब्बे नजर आएंगे। ये धब्बे वही है जो आपके किचन के ऑयल से निकलता है। अगर आपके किचन में चिमनी लगी है तो भी आपको ये काले दाग आपने केंट के वायर में नजर आएंगे। तो इसे साफ करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप यहाँ पर कोई भी कपड़ा ले लें और कपड़े में लगा दें यहाँ पर कोई भी टूथपेस्ट। यहाँ पर आप कोलगेट का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप पेप्सोडेंट का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसे आप यहाँ पर ले लें और बस इस कपड़े को अपने वायर में रब कीजिए। आपको जो डिफरेंसेस नज़र आएगा, जो रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा, वो आपको विश्वास नहीं होगा। इतनी इजी तरीके से ये दाग हट जाते हैं कि आपका ना तो टाइम लगता है ना तो समय लगता है। और जब ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी हो जाती है तो आपका मन ऐसे ही खुश हो जाता है। तो दिवाली की शॉप सफाई में इन जगहों को ज़रूर देखें, कहीं ये जगह गंदे तो नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस की ओर। तो नेक्स्ट प्लेस है आपके फ्रिज के एरिया। फ्रिज को हम अच्छी तरह से अपने दिवाली या किसी भी फेस्टिवल में साफ करते हैं या रूटीन क्लीनिंग जो होती है उसमें भी हम अपने फ्रिज को अच्छी तरह से साफ करते हैं, अंदर बाहर उसकी पूरी क्लीनिंग करते हैं। बट उसके जो हिडन प्लेस है उसे भूल जाते हैं। उसका हिडन प्लेस होता है उसके बैक साइड पे। बैक साइड को देखने के लिए आपको बस अपने फ्रिज को हटाना होगा और नीचे ये जो टब दिख रहा है आपको, उसमें आपको बहुत सारी गंदगी दिखेगी। वेल, मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग जब करती हूँ तो इसका जो पानी है तो वो हमेशा ही चेंज करते रहती हूँ, जिस कारण से आपको यहाँ पर गंदगी बहुत सारी नहीं दिख रही होगी। बट अगर आपने अपने फ्रिज के बैक एरिया को बहुत दिनों से छोड़ दिया है तो आपको अपने फ्रिज के पीछे का एरिया काफ़ी ज़्यादा मैसी नज़र आ सकता है। तो बस इस पानी को हम, और वैसे तो मेरा टब अच्छी तरह से क्लीन है, और अगर आपका टब नहीं क्लीन है तो सिंपल से डिश वॉश में विनेगर और बेकिंग सोडा दे के आप इसे बैक्टीरिया फ्री बना सकते हैं। तो ये क्लीन हो चुका है, चलिए अब हम इसे लगा देते हैं। अब फ्रिज में कभी कभी प्रॉब्लम भी आती है कि फ्रिज सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कूलिंग नहीं हो रही है, तो एक बार अपने फ्रिज के बैक एरिया को ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट एरिया है आपकी किचन से रिलेटेड। किचन में सिंक वाले जो एरिया होता है, बर्तन धुलते हैं, सब्जी धुलती है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी इसके टाइल्स में लग जाती है तो ये इस तरह का नज़र आने लगता है। बेशक हम इसकी डेली क्लीनिंग करते हैं बट वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है जो हमें चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट हैक ये है कि आप अपने हाथों में सबसे पहले एक सॉक्स को पहन लें। सॉक्स को मैं यहाँ पर पहने आप लोग के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसे क्लीन करने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। देन इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, थोड़ा सा डिश वॉश और देन विनेगर। बस अपने हाथों को हल्का सा रब कर ले और इसे अपने टाइल्स की एरिया में लगाए। ऐसा रिजल्ट आपको नज़र आएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने हाथों में सॉक्स पहना है तो इसे क्लीनिंग का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, मतलब मेहनत नहीं लगती है और रिजल्ट 100% मिलता है। हम कपड़े से साफ करते हैं, स्क्रबर से साफ करते हैं, बट एक बार इस तरह से अपने किचन के सिंक के एरिया को साफ करके देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट एरिया मैं जो आप लोग को बताने वाली हूँ ये आपके लिविंग रूम से रिलेटेड है। लिविंग रूम में हम ज़रूरी कुछ इंडोर प्लांट्स को रखते हैं और उसके नीचे रखते हैं एक प्लेट, ताकि जो भी पानी वगैरह हम इसमें डालें वो इसमें जाए और हमारे घर मैसी ना हो। तो टाइम टू टाइम इस जगह को भी क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी इसकी जो प्लेट होती है उसकी भी क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे प्लांट्स के लिए भी, हमारे घर के इन्वायरमेंट के लिए भी। तो इसका जो आप देख रहे हैं इस पर काफ़ी मिट्टी और पानी जमा हो गई है, तो सिंपल से इसे पानी को हम फेंक देंगे और सिंपल से कोई भी सर्फ या डिटर्जेंट से इसे हम क्लीन कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए और वापस से इसे अपने जगह पे लगा लेंगे। आप अपने घर पे किसी भी एरिया में क्यों ना ही इंडोर प्लांट को लगाते हैं तो उसके नीचे एक प्लेट तो हम देते ही हैं, बट टाइम टू टाइम उस प्लेट को भी चेक करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट जो जगह मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, वहाँ पर आपकी नज़र तो रोज ही पड़ती है बट हम उस जगह को हमेशा ही इग्नोर कर देते हैं। ये है आपके वॉशिंग मशीन का एरिया। वॉशिंग मशीन का जो सर्फ डिस्पेंसर होता है, वहाँ पर अक्सर ये सर्फ वगैरह इस तरह से फंस जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्फ लगी हुई है, लेकिन हम इसे रोज के रोज ही इग्नोर कर देते हैं। तो दिवाली आने वाली है और घर की जब पूरी तरह से डीप क्लीनिंग होती है तो इन जगहों को भी साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी पुराना टूथब्रश ले लेना है और इसे अच्छी तरह से रब करना है। जिन जिन जगहों पर आपको यहाँ पर सर्फ वगैरह लगे हुए दिख रहे हैं, बस आप उसे रब कर दें। चूँकि सर्फ है इसमें तो ये आसानी से हट जाएंगे। और यहाँ मैंने तुरंत ही अपने कपड़ों को वॉश किया है, ये सर्फ अभी काफ़ी ज़्यादा गीले हैं। बस जब सारी सर्फ अच्छी तरह से क्लीन हो जाए तो मैं वॉशिंग मशीन के उस एरिया में पानी डाल के अच्छी तरह से इसे क्लीन कर दूंगी, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का सर्फ डिटर्जेंट वगैरह ना रहे। नाउ जब हम वॉशिंग मशीन के एरिया में आई हैं तो इसके फिल्टर को भी हम ज़रूर चेक करेंगे। ये जो फिल्टर इसके अंदर लगा रहता है, आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी जमी है। ये हमारे कपड़ों की गंदगी होती है जो हमारे कपड़े वगैरह में साफ़ होते हैं, और बहुत ही ख़राब हालत हो गई है इसकी। तो इसकी क्लीनिंग भी करना टाइम टू टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इस एरिया को बहुत दिनों से साफ़ नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी आप लोग को दिख रही है। और इसे क्लीन करने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि आप इसे अपने वॉश मशीन में ले लें और सेम वही टूथब्रश से आप इसे क्लीन करें। ये देखिए सारी गंदगी आसानी से बाहर निकल जाएगी। चाहे तो यहाँ पर आप डिटर्जेंट या लिक्विड डिशवॉश का यूज़ कर सकते हैं इसे साफ़ करने के लिए। फिल्टर पूरी तरह से क्लीन हो गया है, बहुत ही कम एफर्ट लगा, लेकिन सफाई हुई है पूरी अच्छी तरह से। अब इसे अपनी जगह पर लगा देंगे और हमारे वॉशिंग मशीन पूरी अच्छी तरह से डीप क्लीन हो चुकी है। कहीं भी सर्फ नहीं है, किसी तरह की गंदगी नहीं है, तो कपड़े भी अब साफ धुलेंगे और घर तो ऐसे ही साफ हो जाएगा। इन छोटी छोटी जगहों को क्लीन करके आप अपने घर को पूरी अच्छी तरह से डीप क्लीन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे आपके घर में जगह हैं जहां पर हमारा नज़र तो पड़ता है बट हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह मैं आने वाली वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैं नहीं डाल सकती क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नई वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। सो मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ। एंड यस, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी दिवाली की डीप क्लीनिंग परफेक्ट हो सके।